रुड़की में कांवड़ियों ने जमकर उत्पात किया। यहां कांवड़ियों ने एक ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, रिक्शा में जमकर तोड़फोड़ की। इस दौरान पुलिसकर्मी भी कांवड़ियों को समझाते रहे, लेकिन कांवड़ियों का उत्पात जारी रहा। सावन महीने की शुरुआत होने से पहले ही सरकार कांवड़ियों के लिए तैयारी शुरू कर देती है, जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। लेकिन इसके बावजूद कांवड़ियों द्वारा उत्पात की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला रुड़की में सामने आया है, जहां ई रिक्शा से मामूली टक्कर लगने पर कांवड़ियों ने चालक की बुरी तरह पिटाई कर दी और इसके बाद लाठी डंडों से ई रिक्शा में तोड़फोड़ की। इस दौरान कांवड़ियों ने पुलिसकर्मियों की एक नहीं सुनी, वे लगातार ई रिक्शा में तोड़फोड़ करते रहे। घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सामने आया है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस को दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी शिव भक्त अगर इस तरह का उत्पात मचाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। यही अनुरोध रहेगा कि ये एक तीर्थयात्रा है और तीर्थयात्रा एक भाव के साथ, एक श्रद्धा भाव के साथ संपन्न की जाती है, तो इसमें मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार के हुड़दंग का या उपद्रव का कोई स्थान है। और मुझे लगता है कि अधिकांश जो शिव भक्त यहाँ आते हैं वो अच्छी भावना के साथ ही आते हैं, तीर्थ की भावना के साथ, सही भाव के साथ आते हैं। हो सकता है उनमें कुछ उपद्रवी तत्व, कुछ असामाजिक तत्व उसमें शामिल होके उसको बदनाम करने का प्रयास करें, लेकिन ऐसे उपद्रवी तत्वों से हम निपटने के लिए तैयार हैं। और मेरा मानना यह है कि हमारे अधिकांश 99% हमारे कांवड़ यात्री जो है अच्छी श्रद्धा के साथ, अच्छी भावना के साथ आते हैं और यहाँ हम उनका स्वागत भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं और उनको उनकी यात्रा सकुशल संपन्न कराने का संकल्प भी लेते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।